हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भानुप्रिया और मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और टैरो रीडिंग लेकर। यस, आज का रीडिंग जो है वो एक येस एंड नो रीडिंग है। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है ना कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या आपको ये करियर फील्ड चूज करना चाहिए या नहीं, या फिर ये पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं, या फिर आपका डिसीशन सही है या नहीं, कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस या नो में चाहिए, तो आज का रीडिंग आपके लिए है। आज के रीडिंग में आपको पता चल जाएगा कि ये जो भी डिसीशन आप ले रहे हैं या फिर जो भी थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं वो फ्यूचर आपके लिए सही है या नहीं, आपका स्टेप सही है या नहीं, आपका डिसीजन सही है या नहीं। यस एंड नो वाला आंसर मस्ट आज आपको मिल जाएगा। सो ट्रस्ट करके हम यूनिवर्स को प्रे करके फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं और मैं प्रे कर लेती हूँ कि यूनिवर्स प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहा है उनकी एनर्जी के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए एंड मुझे गाइड कीजिए कि जो भी सवाल का वो आंसर चाहते हैं कि वो अगर कोई मैनिफेस्टेशन है या उनका ड्रीम कॉलेज है या कोई पार्टनर है, जो भी उनका डिज़ायर है या फिर जो भी उनकी प्रॉब्लम है जिसका आंसर वो येस एंड नो में चाहते हैं, उसका आंसर प्लीज़ उनको येस एंड नो में दीजिए। क्या वो उनके लिए सही है, क्या वो चीज़ हो जाएगी। प्लीज़ गिव एन आंसर इन येस एंड नो ऑफ वट एवर क्वेश्चन। माई सब्सक्राइबर्स आर थिंकिंग, प्लीज़ my subscribers or any person who is watching this video, please universe, all the divine angels, healing angels, all the great ones, all the holy ones, spiritual masters, please connect me with the energy of every person seeing this video and guide me. Okay, so hum do cards nikalenge, theek hai? ab aap log apne intuition se ये कार्ड ए है, ये कार्ड बी है, ठीक है, कोई भी एक कार्ड चूज कीजिए। सो सबसे पहले हम कार्ड ए का रीडिंग करेंगे। अगर आपने ये कार्ड ए चूज किया है तो प्लीज वॉच दिस। ओके, नाइस। कार्ड ए अगर आपने चूज किया है तो यू नो आंसर काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। येस, अगर आपने जो भी नया डिसीशन लिया है ना, अगर शायद आप कुछ नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं या फिर कोई आपने ऐसा लग रहा है कि एक्शन ले लिया है कुछ नया करने का, आगे बढ़ने का, किसी के साथ पार्टनरशिप करने का, ठीक है, कोई नया पार्टनर बिजनेस में ऐड करने का, या फिर कोई भी बिजनेस नहीं तो कोई भी आपका जो डिसीजन है जिसके अंदर आप कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हैं, कॉलेज ज्वाइन हो सकता है नया, कुछ नया करियर फील्ड आपने सोचा हो कि इसके अंदर भी मैं ट्राई करके देखूँ कि कैसा रहेगा, या फिर कहीं बाहर आप जाने का, ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, किसी के साथ बात करने का सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एंड आप ज़रूर बाहर जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आंसर इज़ वेरी वेरी येस कि आपका जो भी डिसीजन है इट्स वेरी मच राइट, आपको वो करना ही चाहिए फॉलो, एंड काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें रहेगी एंड आपके सपोर्ट में भी कोई दो लोग है जो खड़े रहेंगे आपके सपोर्ट में एंड आपको फर्दर आगे भी सपोर्ट मिलेगा। सो कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। अब हम लोग देखते हैं कार्ड नंबर टू। सो कार्ड नंबर टू में जिसने भी कार्ड नंबर टू चूज किया है ना, उनके लिए मुझे लग रहा है कुछ तो ऐसा स्ट्रेस है, ठीक है, आपके या हो सकता है आपकी मदर को कोई ना कोई स्ट्रेस है, या तो हेल्थ इश्यू है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है कुछ के बहुत ज़्यादा, आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं मुझे सही में। एंड जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया ना, उनको सबसे पहले मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने चक्र हीलिंग करिए, ठीक है, और कुछ नहीं तो मेडिटेशन, चक्र हीलिंग नहीं आता है तो मेडिटेशन करिए, बट देर इज़ अ वेरी मच नीड कि आप अपने अपर थ्री चक्रस, जो क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र होता है ना, अपर के चक्रस का आपको हीलिंग करने का बहुत ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आपको लग रही है कि सब कुछ ख़त्म ही हो गया, ख़राब ही हो गया है, आपको ना कुछ करने की इच्छा हो रही है, ना आगे बढ़ने की इच्छा हो रही है, तो आपका जो भी क्वेश्चन था ना उसके लिए इस कार्ड के हिसाब से ना लग रहा है। बिकॉज जब तक आप अपना हीलिंग नहीं करते ना, वो चीज़ जो आप करना चाहते हैं या जिसमें आगे बढ़ना चाहते हैं
उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये कार्ड आया तो दुखी मत हो जाना कि यू नो नहीं होगा, बट इसमें से एक्चुअली रेमेडी मिल रही है कि अगर आप अपने अपर थ्री चक्रस का हीलिंग करेंगे ना, अपर थ्री नहीं, आप तो सारे चक्र का हीलिंग करो, सारे चक्र का हीलिंग करोगे या मेडिटेशन करोगे तो आपको वो समझ आएगी, वो डायरेक्शन मिलेगा कि क्या करना है, ठीक है। और जब सही डायरेक्शन मिलता है तब हम अगर कोई स्टेप्स लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है ना कुछ भी। तो आपको किसी के डायरेक्शन की ज़रूरत है, खुद के हीलिंग की ज़रूरत है, किसी गुरु में, किसी बड़े में आप मानते हैं तो उनकी हेल्प लेने की ज़रूरत है, और कोई नहीं है तो आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। मैं जो भी एडवाइस दे रही हूँ उसको फॉलो करो, आपका चक्र हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, और कुछ भी नहीं आता है तो ओम चैंट करो, बट तो इस सिचुएशन में से बाहर आओगे। सो ये थी बी कार्ड के लिए रीडिंग। सो ये जो आज रीडिंग की हमने, आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, एंड अगर हुई है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि यस इट रेजोनेटेड विथ मी, एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आके आपको ये गाइडेंस दिया कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या या फिर क्या सुधार करने चाहिए जिससे आपका यू नो आगे प्रॉस्पेक्ट्स बढ़े कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने का या कोई एक्शन लेने का। तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, एंड मुझे थैंक यू कैसे बोलोगे, सिंपल है, बस लाइक करना है, सबके साथ शेयर करना है, हो सकता है जिसको भी आप शेयर करो वो भी किसी आंसर का, ऐसे यस एंड नो वाले आंसर का वेट कर रहे हो, उनको भी आंसर मिल जाए तो उन लोगों के साथ शेयर करना है, एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना है, बस इतने में तो मैं खुश, ठीक है। और नेक्स्ट मुझसे नेक्स्ट वीडियो में मिलना है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड। एंड जाने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात बोलनी है ना, हाँ, कि अगर आप लोग पर्सनलाइज टैरो रीडिंग चाहते हैं तो यस आप लोग मुझे DM कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर कुछ डिटेल्स स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।